और चीन के बढ़ते विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जल्द ही श्रीलंका और मालदीव के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे को कूटनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका को चीन के करीब जाते देख अमेरिकी विदेश मंत्री ने श्रीलंका दौरे पर जाने का फैसला किया है। पोम्पियो 27 अक्टूबर से श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। श्रीलंका के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मालदीव जाएंगे। पोम्पियो उस वक्त में श्रीलंका जा रहे हैं जब दो हफ्ते पहले ही एक चीनी दल श्रीलंका दौरे से लौट चुका है। चीन ने श्रीलंका को $50 करोड़ के लोन का ऑफर दिया है। इसके बाद से ही अमेरिका दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका को अपने खेमे में करने की कोशिश में लगा हुआ है। पोम्पियो जल्द ही भारत दौरे पर भी आने वाले हैं। बिल्कुल, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में ड्रिल के दौरान विमान क्रैश हो गया है। कैलिफोर्निया में ये क्रैश हुआ है। विमान सुपर हॉर्नेट जेट है जो विमान क्रैश हुआ। विमान क्रैश की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हादसे के बाद विमान में आग लग गई। हालांकि हादसे में पायलट की जान बाल बाल बची है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर। कैलिफोर्निया में ड्रिल के दौरान विमान क्रैश हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें पायलट की जान बच गई है, लेकिन आप देखिए क्रैश होते ही कैसे आग की लपटों से घिर गया। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया में यह हादसा हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।